नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। चाय की दुकान में बिक रही थी शराब, जमींदोज की गई दुकान, अबकारी व प्रशासनिक अमले ने की कार्रवाई। समझाइश के बाद भी नहीं बंद हुई शराब की बिक्री, दुकान संचालक के खिलाफ अबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है। रीवा शहर से सटे रिंग रोड पर चाय की दुकान पर शराब बिक्री की अवैध कारोबार संचालित किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। अबकारी की टीम ने दुकान से भारी मात्रा में शराब की अवैध खेप को भी जब्त किया है और समझाइश के बाद भी अवैध बिक्री बंद नहीं करने पर दुकान को आज जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई आज शहर से सटे ग्राम जोरी में अबकारी विभाग और प्रशासनिक अमले ने संयुक्त रूप से की है। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा। बताया गया है कि तेजा पटेल नामक व्यक्ति के द्वारा रिंग रोड में चाय पान की दुकान संचालित की जा रही थी और इस दुकान की आड़ में शराब की अवैध बिक्री का कारोबार भी संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान दुकान के अंदर से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है, जिसके बाद उस दुकान को प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन पर जमींदोज कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि कई दिनों से यहां अवैध रूप से शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज संबंधित थाने के द्वारा आरोपी को समझाइश भी दी गई। बावजूद इसके आरोपी तेजा पटेल निरंतर शराब की अवैध बिक्री करता रहा, जिसकी पुनः शिकायत मिलने पर आज जमींदोज की कार्रवाई की गई है। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ये हमको जोरी बाईपास में बड़ी जोरी गांव जो है वहां पर ग्रामीण जनों से और शिकायत प्राप्त हो रही थी निरंतर कि पिछले एक सप्ताह से कि यहां पर एक समोसे की दुकान है आयुष करके, आयुष समोसा, जिसका संचालक तेजा पटेल है। तेजा पटेल के द्वारा ही यहां पर उनकी पत्नी के द्वारा यहां पर अपने चाय की दुकान से ही शराब बेची जा रही है अवैध रूप से। उसी को लेकर के हमने पहले शिकायत का सत्यापन कराया, शिकायत सही पाए जाने पर आज उस पर कार्यवाही की जा रही है। सर, आपका भी हमला भी आपके साथ था, क्या आपको इससे जानकारी थी? हाँ, हमको शिकायत प्राप्त हुई थी ग्रामीण जनों के द्वारा यहाँ पर कि जो यहाँ पर आसपास निवासी रहते उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर ये चाय समोसे की दुकान पर शराब भी बेची जाती है अवैध रूप से और जिससे कि ये यहाँ का माहौल जो रहता है वो खराब रहता है और किसी भी प्रकार के वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई थी। तो दुकान को नष्ट कर दिया गया है, अभी तो कोई कार्रवाई या निकाला? हाँ, हम इस पर आबकारी एक्ट का जो 34 धारा है उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। जो अवैध शराब की बिक्री की है उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं, साथ में और भी देख रहे हैं। चूँकि निवासी रहने वाला वार्ड क्रमांक 2 का है, टेकुआ का रहने वाला है और यहाँ आकर के इस तरह के अवैध कार्य गतिविधि कर रहा है। मां ने किया सौतेली बेटी की हत्या का प्रयास, न्यायालय ने आरोपी मां को सुनाई 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। मां को प्रेमी के साथ देख लिया था बेटी ने, राज खुलने के डर से मां ने कुल्हाड़ी से हमला कर किया था बेटी की हत्या का प्रयास। बता दें कि रीवा जिला न्यायालय ने एक मां को अपनी ही बेटी की हत्या का प्रयास करने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास के दंडित किया है। मां पर आरोप था कि उसने अपनी सौतेली बेटी की जान लेने के लिए उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों से संतुष्ट होकर आरोपी मां को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। दरअसल ये फैसला नवम अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की न्यायालय ने सुनाया है। न्यायालय के इस फैसले के संबंध में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विकास द्विवेदी ने बताया कि पडरा निवासी संगीता शुक्ला ने वर्ष 2020 में अपनी सौतेली पुत्र की जान लेने की इरादे से उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। महिला ने बेटी के साथ बर्बरता दिखाते हुए उसके सर सहित शरीर के विभिन्न अंगों में 25 से अधिक कुल्हाड़ी के वार किए थे। महिला ने घटना के महज इसलिए अंजाम दिया था कि चूंकि बेटी ने मां को प्रेमी से मिलते देख लिया और अपना राज खुल जाने के डर से उसने सौतेली बेटी की हत्या का प्रयास कर डाली। प्रस्तुत है लोक अभियोजक विकास द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। मामले में 307 के मामले में सजा हुई, क्या पूरा मामला था, क्या कैसे? मामला ये था कि 307 का जो केस चल रहा था शासन बनाम संगीता शुक्ला, भवानी नगर पड़रा का केस है। इसमें 2020 में केस चला था और सिविल लाइन थाने का मामला है। इसमें आरोपिया द्वारा अपनी सौतेली पुत्री का हत्या करने का प्रयास किया गया और कुल्हाड़ी से उसके सर पर और शरीर पर कई अन्य भागों पर कई जगह 20-25 जगह उसके सर में चोट कारित करी, जिसके कारण पुलिस विवेचना में ली और 307 का मामला कायम करके न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण हुआ उसका और अभी 30/11/2022 को 9th ADJ कोर्ट माननीय देवेंद्र सिंह पाल
के द्वारा निर्णय किया गया और मामला में मतलब जो गवाह थे 12 गवाह का परीक्षण कराया गया, उसमें ये प्रमाणित हुआ कि आरोपिया द्वारा हत्या करने का प्रयास साबित हुआ, मतलब हत्या की करने का प्रयास कर रही थी। इसका कारण क्या था, वजह क्या? कारण ये था कि उसका सौतेली माँ जो है उसका किसी से अफेयर चल रहा था, तो इसी के चलते वो लड़की देख ली थी सौतेली पुत्री, तो इसी के कारण उसने उसके ऊपर जानलेवा हमला की और इसका विचारण चला, जिसके परिणाम स्वरूप 30 तारीख को फैसला निर्णय आया और इसमें आरोपिया को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 का अर्थदंड न्यायालय द्वारा दिया गया और 2000 न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के लिए निर्णय किया गया न्यायालय से। और शासन की ओर से मैंने पैरवी की, मेरा नाम विकास द्विवेदी है। शासकीय विद्यालय में झाड़ू लेकर सफाई कर रही बच्चियां, कैमरे में कैद हुई तस्वीर, गोलमोल जवाब देते हैं अधिकारी। आपको बता दें कि रीवा जिले के हनुमाना तहसील क्षेत्र अंतर्गत सेठ बिहारी लाल शासकीय विद्यालय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मासूम बच्चियों के द्वारा विद्यालय में साफ सफाई का कार्य करते एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल में गंदगी के चलते बच्चियों को खुद ही अपने बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके चलते वह हर रोज शासकीय विद्यालय के भीतर झाड़ू लेकर साफ सफाई करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार की सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही सब पढ़े सब बढ़े योजना की पोल खोल दी तस्वीर आज जिले के हनुमाना विकासखंड क्षेत्र के सेठ बिहारी लाल विद्यालय से सामने आई है। शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और तस्वीर सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी गोलमोल जवाब भी देते हुए मामले से कन्नी काट रहे हैं। दरअसल हनुमाना विकासखंड क्षेत्र के सेठ बिहारी लाल विद्यालय से मासूम बच्चियों के द्वारा झाड़ू लगाने की तस्वीर आज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जहां पर बच्चों के द्वारा विद्यालय में साफ सफाई करते हुए अपने हाथों से झाड़ू लगाया जा रहा है, जिसके बाद मामले पर सफाई देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि जिले की तमाम विद्यालयों में चपरासियों की व्यवस्था है, ऐसे में बच्चियों के द्वारा झाड़ू लगाने की घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। हालांकि मामले पर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि सेठ बिहारी लाल विद्यालय में आए दिन विद्यार्थियों के द्वारा खुद से ही साफ सफाई कर अपने बैठने की व्यवस्था बनानी पड़ती है और अधिकारियों सहित विद्यालय प्रबंधन को इसकी कोई जानकारी नहीं होती, जबकि कई बार विद्यार्थियों के द्वारा विद्यालय के शिक्षकों के सामने भी साफ सफाई की गई है। प्रस्तुत है जिला शिक्षा अधिकारी GP उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अंश नहीं है। हालांकि मामले पर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। मेरे संज्ञान में जो मामला आया उसमें हमने देखा कि वो उत्कृष्ट विद्यालय हनुमाना का मामला है, तो इसमें जो बच्ची झाड़ू लगाते हुए दिख रही है ये आपत्तिजनक है। स्कूलों में सफाई कर्मचारी होते हैं, चपरासी होते हैं, साफ सफाई उनसे कराना चाहिए प्रिंसिपल को। यदि इस तरह की घटनाएं स्कूलों में होंगी, बच्चों को पढ़ाई के स्थान पर उनके झाड़ू लगवाया जाएगा, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और अब हम ये जरूर इसमें जांच करवाएंगे कि मतलब कि अपनी इच्छा से ऐसा वहाँ मतलब बच्चियाँ कर रही थी कि अभी मतलब प्रिंसिपल के द्वारा या वहाँ के स्टाफ के द्वारा उनको इस तरह से दबाव बना करके सफाई कराया जा रहा था। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। राजस्व भुगतान के लिए समाधान योजना का लाभ 30 जनवरी तक होगा। बता दें कि खनिज विभाग द्वारा लंबित खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए समाधान योजना 31 अक्टूबर 2022 तक लागू की गई थी। शासन द्वारा समाधान की योजना अवधि में 30 जनवरी 2023 तक वृद्धि की गई है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि खनिज राजस्व के बकायादार योजना का लाभ लेकर 30 जनवरी 2023 के पहले लंबित राशि जमा कराकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि समाधान योजना के तहत गौण खनिजों एवं मुख्य खनिजों के लिए 31 मार्च 2010 से पूर्व की खनिज राजस्व की बकाया राशि में ब्याज की पूरी तरह से छूट दी गई है। बिना ब्याज दिए बकायादार राशि जमा कर सकते हैं। इसी तरह 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 की अवधि से 5 लाख रुपए अथवा उससे कम बकाया राशि 30 जनवरी से पहले जमा करने पर भी ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इस अवधि में बकाया राशि के जो प्रकरण 5 लाख रुपए के अधिक अवधि के हैं, उन पर 30 जनवरी तक बकाया राशि जमा करने पर 24% के स्थान पर केवल 6% ब्याज लिया जाएगा। इस अवधि में ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, राशि जमा होने पर प्रकरण भी वापस लिया जाएगा। सभी बकायादार यथाशीघ्र लंबित खनिज राजस्व जमा करके समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रस्तुत है खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित से प्राप्त जानकारी का अंश। खनिज साधन विभाग द्वारा समाधान योजना लागू की गई है जो 30 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी। इसमें जो पुराने बकायादार हैं, पट्टे धारक हैं, जिनकी बकाया राशि है उसको जमा कराने के एक सुनहरा अवसर शासन ने प्रदान किया है, जिसमें ब्याज पूर्ण रूपेण माफ़ किया गया है। जो हमारे पट्टेदार हैं जो 31 मार्च 2020 तक जो 5 लाख से कम के बकायादार हैं, जो शासन का 24% ब्याज राशि जो उन पर अधिरोपित की गई थी वो शासन द्वारा माफ़ की गई है। और जो मूल राशि यदि वो जमा करते हैं 30 जनवरी 2023 के पहले तो इस छूट का वो लाभ ले सकते हैं। इस तरीके के कितने लोग हैं लगभग? रीवा ज़िले में लगभग 30 से 35 लाख के पुराने बकायादार हैं जिनको हमने अभी मांग पत्र जारी किए हैं और वो उन लोगों द्वारा इस छूट में इस लाभ इस योजना का लाभ लेने के लिए सहमति जताई है और वो राशि जमा कर रहे हैं। नवागत CSP ने संभाला पदभार। बता दें कि नवागत CSP वैशाली चतुर्वेदी ने विगत दिवस कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। CSP शिवाली चतुर्वेदी की सर्वप्रथम पोस्टिंग आयकर विभाग में अधिकारी के रूप में हुई थी। वर्ष 2014 में उनका चयन आदिम संयोजक पद पर हुआ। उसके बाद वर्ष 2015 बैच में DSP बनी। प्रशिक्षण अवधि में भोपाल में पदस्थ रहीं। इसके बाद 10वीं बटालियन सागर में पदस्थ किया गया था। दूसरी पदस्थापना रीवा CSP के रूप में हुई है। विगत दिवस कार्यालय पहुंचकर उन्होंने थाना प्रभारियों के परिचय प्राप्त कर शहर के भौगोलिक स्थिति, नशा कारोबारियों व गुंडा बदमाशों की जानकारी ली। कहा, नशे के खिलाफ प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो भी नशे के कारोबार से जुड़े हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला अपराध एवं आदतन अपराधी गुंडा बदमाशों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि वो महिला CSP के रूप में तीसरी महिला CSP हैं। इससे पहले प्रतिभा शर्मा एवं चंचल लागर भी रह चुकी हैं। CSP का पदभार ग्रहण करते ही थाना प्रभारियों की मीटिंग लेने के बाद हाका अभियान शुरू किया गया जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। प्राथमिकता मेरी यही है शहर को लेके कि अपराधों का नियंत्रण करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, और इसके लिए मैं कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से कार्य करना चाहूँगी। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि रीवा की जनता काफ़ी अवेयर भी है और सपोर्टिव भी है, तो मैं जनता के माध्यम से ही पुलिसिंग पे फोकस करना चाहूँगी। जैसे क्राइम है, नशा है, वुमेन सेफ्टी भी इशू है कहीं ना कहीं, तो इस पे कैसे फोकस? मेन फोकस मेरा यही रहेगा कि लगातार निगरानी होगी और अगर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि करते हुए पाया जाएगा तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही जनता का फीडबैक सदैव हम लोग लेते रहेंगे और उन पर कार्यवाही करेंगे। समयक अभियान को लेकर आज संबंधित पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। बता दें कि सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक श्री भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शोधपरक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया है। बता दें कि नवक्रांति हेतु संकल्पित समयक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पदर पार्क से विगत 2 मई 2022 को किया गया था। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2022 से रायसेन जिले के बरेली नगर से प्रदेश में नवक्रांति लाने के लिए संकल्प के साथ 45 दिवसीय प्रदेशव्यापी समयक यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का समापन आगामी 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बैरसिया में होगा। उसके पश्चात माह जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस भी होगी। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त की आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित करना है। प्राइवेट कंपनियों व सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सिस्टम में नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्तियाँ सुनिश्चित कराना है। इसी तरीके से 8 सूत्री संकल्प को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान रीवा संभागीय समन्वयक एडवोकेट रघुवंश पांडे, रीवा समन्वयक राम आशीष तिवारी, देवतलाव के समन्वयक SS तिवारी, सिमरिया से विष्णुकांत कुशवाहा, जिला रीवा संरक्षक अब्दुल सहीद मिस्त्री, एडवोकेट प्रदीप अवस्थी, जिला रीवा प्रभारी सत्येंद्र शर्मा, सह समन्वयक डॉक्टर ओमकार द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। परिवहन करके ले जाने वाला नहीं है, युवाओं को आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, उनके कर्तव्य और अधिकारों के प्रति इतना जागरूक कर रहे हैं जो स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जाएंगे।
युवा तो वैसे भी बेरोजगार है, एक नया बोझ आप डाल रहे हैं युवा से भोपाल और अन्य जगह से जाएंगे 5 लाख, कम से कम एक एक युवा के ऊपर 700 से 800 रुपये खर्चा आएगा, वो युवा कहाँ से लाएगा? देखिए, अगर हमको अपना भविष्य देखना है, युवा अगर बीटेक एमटेक कर सकता है, एमबीए कर सकता है, तो अपने भविष्य के लिए, अपनी रोजी रोजगार के लिए इस लड़ाई में वो आएगा, और अगर ऐसी आवश्यकता आएगी तो उनको संयुक्त रूप से कई लोगों के साथ सहयोग भी दिया जाएगा, कुछ जो गरीब छात्र हैं, और सभी युवा अपने अधिकारों के लिए इस मिशन में जुड़ेंगे, और आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब के नेतृत्व में इस अभियान में, संघर्ष में हम लोग जाएंगे। एक और अध्ययन के ये जो चार मुद्दे मैंने बताया, जो उपलब्ध संभावनाएं हमारे बीच में पहले से नौकरियों की है, उन नौकरियों की संभावनाओं के युक्ति युक्तकरण की बात है। मैं बार बार इस शब्द पे जोर देना चाहता हूँ, संभावनाएं पहले से है, 58 साल सेवानिवृत्ति आयु करने से सिर्फ युक्ति युक्तकरण किया जाएगा, पद नए सृजित नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो पूर्व पद हैं उनको यदि 58 साल करते हैं तो इतने पद खाली होंगे। जैसे हम आउटसोर्सिंग प्रणाली से बात करते हैं तो इन्होंने गलत तरीके से काम लेना शुरू किया है, उनके स्थान पर नियमित नियुक्ति करते हैं, तो ये भी एक युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया मानी जाएगी। तो संभावनाओं के युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया है, ये चार मुद्दे मेरे। अब मैं पाँचवें मुद्दे पर आ रहा हूँ। पांचवा मुद्दा ये है, आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर बड़ी अलग अलग का प्रकार भ्रम फैलाया गया है, कभी सड़क जाम, कभी ट्रेन रोको, कभी आदि आदि सारी चीज़ें हो रही है। इस बात में भी लोगों ने सही ढंग से जानकारी का अध्ययन, जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया। भाई देश में जब देश हमारा जब स्वतंत्र हुआ तो SC ST को आरक्षण देने की जो बात आई वो सामाजिक रूप से था कि सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े, इनके स्तर को उठाना पड़ेगा, तो SC वर्ग के लिए और ST वर्ग के लिए 22.5% आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया। 7.5% आबादी आदिवासी वर्ग की मानी गई 1931 की जनगणना के आधार पर, और 15% आबादी मानी गई शेड्यूल कास्ट की। 22.5% आरक्षण देने के बाद में ये देखा गया कि पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं जहाँ आदिवासी 50% से अधिक है, इनके साथ अन्याय होगा। तब उस समय केंद्र से राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया, बिल्कुल एक लाइन का अधिकार है, कि राज्य अपने अपने राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं, ये राज्य को अधिकार दिया, क्योंकि उस समय SC ST के ही लिए आरक्षण था, दूसरे के लिए था। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।